सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ वाहिगुरु हम संतन की रेण प्यारे संतन की शरणा संत हमारी ओट सतानी संत हमारा गहना हम संतन स्यों बन आई पूर्व लिखिया पाई एहु मन तेरा भाई संतन स्यों मेरी लेवा देवी संतन स्यों व्यवहारा संतन स्यों हमला खटिया संतन स्यों हमला खटिया हर भगत परे भंडारा मेरे राम हर जन के हो बल जाई हो बल जाई राम हर जन के हो बल जाई हो बल जाई मेरे राम हर जन के हो बल जाई हो बल जाई राम हर जन के हो बल जाई हो बल जाई राम हर जन के हो बल जाई मेरे राम हर जन के हो बल जाई जाई
चबर तलावा चरण धूड़ मुकलाई। परम सत्कार जो तन तन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी पावन पवित्र हाजरा हजूरी विच जुड़ बैठी गुरु प्यारी साध संगत जी, सतगुरु जी ने अपार बख्शिश कीती है। बहुत सत्कार योग श्रीमान संत बाबा अमरीक सिंह जी खुखरैन वाले महापुरख तिन्हां दा महान उद्यम उपराला है। धन धन बाबा हरजी साहब जी और समूह महापुरखां दी याद विच सलाना गुरमत समागम जो पिछले दिनों तो आरंभ हुए ने, गुरु साहब जी ने कृपा की है, सतसंग दियां सुभागियां घड़ियां बख्शिश कीतियां ने। आओ जितना क समा बख्शिश होया समय विच रह के आपां हाजरी भरीए, कोई भी रसना वांझी ना रहे। प्यार सहित बुलाओ फतेह आखो जी वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। फतेह मेरे राम हर जन कै हों बल जाई, केसा का कर चवर टलावा चरण धूड़ मुखलाई। जन्म मरन दोहूं मैं नाही, जन पर उपकारी आए। जी दान दे भगती लायन हर स्यों लैण मलाई। हरी दे जना दे इसे करके महाराज कहिंदे बलिहार जाना चाहीदा। ओ सच नाल जुड़े हुंदे ने, जिहड़ा भाई उन्हां दी दिलों संगत कर लैंदा फिर उन्हूं सच नाल ही जोड़ दिंदे। आखो सतनाम, सच नाल जोड़ दिंदे। सब तों वड्डा परोपकार छेवें पातशाह धन धन साहब श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज मीरी पीरी दे मालक, उन्हां दे बड़े प्यार वाले गुरसिख भाई गढ़िया जी महाराज ने भाई गढ़िया जी नूं गुरमत का प्रचार करन वास्ते जम्मू कश्मीर की धरती ते भेजिया। भाई गढ़िया जी जांदे जांदे गुजरात रुक गए, धर्मशाला दे विच टिकाणा कीता। गुजरात दियां संगतां नूं पता लग्या कि मीरी पीरी दे मालक छेवें पातशाह धन साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी उन्हां दे बड़े प्यारे गुरसिख सेवक भाई गढ़िया जी इत्थे पहुंचे हुए ने। गढ़िया जी का बड़ा सत्कार किया क्योंकि हर का सेवक हर ही जेहा। आए मिल गुरसिख आए मिल तू मेरे गुरु के प्यारे, आवो भैने गल मिले अंक सहेलड़िया, मिलके करे कहानियां समर्थ कंत की। भाई गढ़िया जी ने धर्मशाला दे विच टिकाणा कीता। भाई गढ़िया जी दे दर्शन करन वास्ते संगतां पहुंचदियां ने, सुबह शाम दीवान सजदा। भाई गढ़िया जी संगतां दे नाल गुरमत दियां विचारां सांझियां करदे आ, ते गुजरात दियां संगतां भाई गढ़िया जी दे कोलों बवानियां कहानियां सरवण करके लाहे प्राप्त कर दियां। गुजरात दे रहन वाले एक दौला फकीर जेडे रिधियां सिधियां दे मालक ने, बड़ियां करामाता वरत दियां,
इनी केंदे उदे ते कृपा है केंदे गुप्त खजाने प्रगट कर लेंदे आखो सतना गुप्त खजाने प्रगट कर लेंदे इनी कृपा होने दे बावजूद पर अंदर दा टका नहीं है हर वेले इस भाल विच रहिंदे ने कोई अंदर दा टका बख्श देवे आखो सतनाम श्री वाहिगुरु कोई अंदर दा आनंद बख्श देवे केंदे जदों दोले फकीर नू पता लगया के छेवे पातशाह जी दे सिख भाई गढ़िया जी गुजरात पहुंचे हुए ने धर्मशाला दे विच दीवान सजदे आ गुरमत दियां विचारां हुंदियां बड़ा आनंद वरतदा दौला फकीर भी भाई गढ़िया जी दे दर्शन करन वास्ते धर्मशाला विच पहुंचिया भाई गढ़िया जी कीर्तन कर रहे ने बेअंत संगतां जुड़ बैठियां ते साध संगत जदों ए झिम झिम वरसै अमृत धारा मन पीवै सुन शब्द विचारा आनंद वरतदा वेखिया केंदे दौला फकीर बार जिथे संगतां दे जोड़े पए सी ना जोड़ियां विच बह के आनंद लैण लग गया को सतना श्री वाहे आनंद लैण लग गया ऐसा आनंद जय कीर्तन तेरा साधु गावे तै मेरा मन लागे चिम चिम वरसे अमृत धारा मन पीवे सुन शब्द विचारा शब्द विचारा दौला फकीर जोड़ियां दे विच बैठा ही ओ मिठी लगदी गुरु जी तेरी बाणी साधुआं दी रसनानों मिठी लगदी गुरु जी तेरी बाणी साधुआं दी रसनानों
लगती गुरु जी तेरी बाणी मिठी लगती गुरु जी तेरी बाणी जलन बुझी शीतल होए मनुआ सतगुर का दर्शन पाए दौला फकीर संगतां दे जोड़ियां विच बैठा प्रेम सहित उथे आनंद लै रहा गुरबाणी भाई गड़िया जी नूं पता लगा भी दौला फकीर बाहर आया बैठा उठ के बाहर आए बड़े सत्कार दे नाल दौले फकीर नूं दरबार विच लै के गए नाल बठा लिया। भाई गड़िया जी ने सुखमनी साहब जी का पाठ शुरू किया बड़े प्यार विच बड़े आनंद विच। भाई गड़िया जी सुखमनी साहब का जाप करते रहे ते बड़े ही आनंद विच बैठ के दौला फकीर बाणी सरवण करता रहा। जदों कहिंदे भाई गड़िया जी ने समाप्ति कीती दौला फकीर कहन लगा भाई गड़िया जी मालक दी इन्नी कृपा बड़िया रिधियां सिधियां प्राप्त ने बड़िया करामातां गुप्त खजाने प्रगट कर लें पर अंदर दा टका नहीं बनिया। जेड़ा आनंद आ तुहाडे कोलों बाणी सुन के आया ना ये आनंद नहीं बन रहा है। महाराज तुसी बाणी पढ़न वाले हो गुरु दे सेवक हो कृपा करो मैनू रास्ता दिखाओ। जेड़ा टका तुहाडे कोलों बाणी सुन के आया जेड़ा आनंद तुहाडे कोलों बाणी सुन के आया ये आनंद मैनू क्यों नहीं प्राप्त हो रहा। ते भाई गड़िया जी ने फिर एक ही वचन किया ए माया ममता मोणी ने माया ममता मोणी ने माया ममता मोणी ने माया ममता ए माया ममता मोणी ने माया ममता मोणी ने ए माया ममता मोणी ने माया ममता मोणी ने माया ममता
भाई गड़िया जी कित्थों बोल रहे हैं, भाई गड़िया जी ये की वचन कर रहे हो मैनू समझ विच नहीं आ रहा। भाई गड़िया जी कहन लगे महाराज कृपा करनगे आवेगा समा समत बख्शणगे। जिन्ने दिन भाई गड़िया जी गुजरात रह के संगतां नू गुरमत दियां विचारां सरवण कराउंदे आ दौला फकीर भी उन्ने दिन आनंद लैंदा रहा। फिर महाराज के हुक्म अनुसार भाई गड़िया जी ने अगे जाण दी तैयारी कर ली ते दौला फकीर भाई गड़िया जी नू कुछ दूर तक छड़न वास्ते नगर तो बाहर आ गया। भाई गड़िया जी दे नाल दौला फकीर तुरिया जांदा है, वेखदा है भाई गड़िया जी दे वस्त्र बड़े सादे पाए हुए ने, पैरां दे विच जोड़ा जेड़ा पाया होया वो जोड़ा टुटिया होया, बड़ी गरीबी दे विच ने, हों ते सकोल कमाया गुरम तिरद है गरीबी आ। भाई गड़िया जी दे नाल दौला फकीर तुरिया जांदा ते मन दे विच ये ख्याल आया कि गुरु साहब जी ने अपने सिख नूं प्रचार वास्ते भेजते दिता पर एदा फिकर करके नहीं भेजिया आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। प्रचार वास्ते गुरसिख नूं भेजते दिता पर एदा फिकर करके नहीं भेजिया, कोई रास्ते का खर्च नहीं दिता, माया नहीं दिती। जे माया होंदी सोहने वस्त्र पाउंदा, जे माया होंदी सोहना जोड़ा पाउंदा, इहदे वस्त्र बड़े माड़े ने, पैरां विच टुट्टिया होया जोड़ा पा के तुरिया जा रहा है। कहिंदे क्यों ना मैं भाई गड़िया जी नूं गुप्त खजाने प्रगट करन दी ताकत बख्श दिया आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। क्यों ना मैं भाई गड़िया जी नूं गुप्त खजाने प्रगट करन दी ताकत बख्श दिया। तुरिया जांदा दौला फकीर, भाई गड़िया जी नूं कहन लगा भाई गड़िया जी जिहड़ी माया है ना इह भगतां दी दासी है, जिहड़ी माया इह भगतां दी दासी है। भाई गड़िया जी कहन लगे फकीर जी इह गल बिल्कुल सच है, जिहड़ा वचन तुसीं कर रहे हो कि माया भगतां दी दासी है प्रतख करके दिखा दी आखो सतनाम। वेखना चाहुंदे हो वी माया भगतां दी दासी है? महाराज मैं समझिया नहीं। कहिंदे चंगा फिर नजर मार। हुण जिहड़े रस्ते तुरे जांदे आ ना भाई गड़िया जी दे नाल दौला फकीर की वेखदे आ, मालक ने ऐसी खेड वरताई वो सारी धरती सोने दी हो गई आखो सतनाम। वो सारी धरती सोने दी, पैरां हेठों जमीन निकल गई, हैरान हो गए जेड़े प्यारे नूं मालक ने एडी बड़ी बख्शिश दे के तोरिया होवे वो धरती सोने दी बना सकदा है, मैं उन्हूं की दे सकदा आखो सतनाम। मैं उन्हूं की दे सकदा? हाथ जोड़ के कहन लगे भाई गड़िया जी मैं
ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਫਿਕਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਪਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਜੇ ਐਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਫਿਰ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋੜਾ ਪਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਤੁਰਦੇ ਹੋ? ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋੜਾ ਪਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਤੁਰਦੇ ਹੋ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਾਈ ਗੜੀਆ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਕੀਰ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਮੋਹਣੀ ਜਿਨ ਬਿਨ ਦਾਂਤਾਂ ਜਗ ਖਾਇਆ, ਮਨਮੁਖ ਖਾਧੇ ਗੁਰਮੁਖ ਉਪਰੇ ਜਿੰਨੀ ਸੱਚ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਰਿਧੀਆਂ ਸਿਧੀਆਂ ਵਰਤਦੀਆਂ, ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਰਤਦੀਆਂ, ਗੁਪਤ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਜੋੜ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਜੋੜ ਲਈ, ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਗੁਪਤ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਏ, ਫਰਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤੇ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਫਰਕ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਜੋੜ ਲਈ, ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਕੇ ਜੋੜ ਲਈ, ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਟਿਕਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਪਤ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਏ, ਫਰਕ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਧਿਆਨ ਤੇ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਜੇ ਧਿਆਨ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ? ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ? ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਾਇਆ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੋਰਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਨ ਹਰ ਪਾਇਆ ਤਿਨੈ ਛੁਪਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਗਰ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਹੁੰਮੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਟਿਕ ਸਕਦਾ। ਆਈ ਗੜੀਆ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਸੱਚ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਾਂਗਾ। ਭਾਈ ਗੜੀਆ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨੀ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਭਾਈ ਗੜੀਆ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੇ ਚਰਨੀ ਨਾ ਟਹਿ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰ। ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੀ ਮਿਹਰਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਓ ਆ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਦਾਸ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ 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 ਬੋਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਕੁਕਰ ਉਹਦੇ ਦਰਦੇ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਕੁਕਰ ਉਹਦੇ ਦਰਦੇ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹਰ
तेरे जोद प्यारे तन तन हर को साहेब जी मैं जावा बलिहार हर साते नाल करा शुकराना कि मैं जावा बलिहार बलहारी गुरे अपने दिओ हाड़ी सलवार
जिन मानस दे देवते की ये करत ना लागी वार जिन्ना द संदड़िया दुरमत मंजै मित्र असाडे सही हों टंडेंदी जग सवाया जन नानक विरले कई। बहुत बहुत धन्यवाद है सत्कार योग महापुरख श्रीमान संत बाबा अमरीक सिंह जिया का जिन्हां ने हुक्म ला करके आप समूह संगतां दे दर्शन बख्शे ने। गुरु साहब जिया का कोटान कोट शुकराना आईया संगतां दा धन्यवाद है। बहुत पंथ प्रसिद्ध सत्कार हाथी हस्तियां जो इस वेले स्टेज ते सवाई माने आपो अपने समय मुताबक सब जी सब ने गुरमत विचारां द्वारा आप संगतां नूं निहाल करना। इसे तरह प्यार सत्कार विच बैठ के आपां आए हुए महापुरखां पासों जथियां पासों गुरमत दियां विचारां प्राप्त करके जीवन विच कमाउण दा जतन करना जी। भुल्लां चुकां दी खिमा बुलाओ फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु।